रेमल तूफान का पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके कैनिंग में लैंडफॉल हुआ। पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, साथ ही तेज बारिश भी हुई। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, वहीं घर ढह गए हैं, बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। साथ ही सुंदरबन के गोसाबा इलाके में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हुआ। रविवार रात 8:30 बजे बांग्लादेश के मोंगला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर आइलैंड पश्चिम बंगाल और खेपूपारा बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नजदीकी तटों पर लैंडफॉल शुरू हुआ था, जो 4 घंटे से ज्यादा जारी रहा।